जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, मन ही एक ऐसी इंद्रिय है, एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को विजेता बना सकती है या व्यक्ति को पराजित कर सकती है। जिस किसी भी व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया, वो व्यक्ति हर जगह विजय श्री को प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति मन से हार गया, उस व्यक्ति की संसार में कहीं कोई जगह नहीं होगी। वो व्यक्ति संसार में कहीं भी खड़े रहने लायक नहीं बचेगा। अब जो व्यक्ति का मन है, उस पर चंद्र का प्रभाव पड़ता है। चंद्र का सीधे सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। आप देखेंगे, या आपने नहीं नोटिस किया होगा तब आगे नोटिस कीजिएगा, कि पूनम के दिन और अमावस्या के दिन आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा या तो बहुत ज्यादा विचलित होगा। क्योंकि मन ही है, चंद्र ही है जो मन को अशांत भी करता है और शांत भी करता है। तो यदि आपको कहीं पर सफलता पानी है तो आपको सबसे पहले चंद्र को प्रसन्न करना होगा। यदि चंद्र आप पर प्रसन्न रहेंगे तो आपका जो मन है वो स्थिर रहेगा, डामाडोल हालक डोलक नहीं रहेगा। और जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर रहेगा तब वो व्यक्ति हर काम में सफल होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जिस किसी भी काम में हाथ डालें या जिस किसी भी काम को अपने हाथ में लें, उस काम में आपको सफलता मिले, तो आप चंद्र का ये छोटा सा उपाय कर लें। इस छोटे से उपाय से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत गजब का परिवर्तन आएगा। और अभी तक जो आपकी मनोदशा थी, जो आपका मनोभाव था, वो एकदम बदल जाएगा। आप हर चीज को एक अलग तरीके से देखने लग जाएंगे। चंद्र के प्रभाव से व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे किसी व्यक्ति का यदि मन चंचल है तो वो थोड़ी थोड़ी सी चीजों में एकदम से रिएक्ट करेगा बहुत तेज गति से। और जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में है, चंद्र प्रसन्न है, तो वो बहुत लिमिटेड रिएक्शन देगा। और जब वो इस तरीके से करेगा तो वो हर एक काम में सफल होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं सफलता का वो रहस्य कि जिसे करने से आप हर काम में सफल होने लग जाएंगे। तो जो चंद्र का अंक है वो 2 का अंक है, तो 2 के अंक को सोमवार के दिन आपको इस क्रिया को करना है। एक सफेद आप कागज ले लें, प्लेन सफेद पेपर ले लें। अब इस प्लेन सफेद पेपर पे आप पीले रंग से, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप इंक से भी लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट पेन से या उंगली से भी आप लिख सकते हैं। और इसमें आपको 2 लिखना है, 2 2 2, ऐसा आपको 3 दफे लिखना है, 2 2 2, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके आप इसको लिख दें। अब इस कागज के टुकड़े को आप हमेशा अपने पास में रखें और सोमवार के दिन, खास करके सोमवार के दिन, पूनम हो अमावस्या हो, उस दिन सुबह शाम इसमें जरूर से धूप बत्ती करें। 2 टाइम सुबह शाम इसमें धूप बत्ती करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोदशा थी उसमें बहुत परिवर्तन आने लग जाएगा और आपको खुद को महसूस होगा कि अब आपके विचारने की, सोचने की शक्ति काफ़ी मजबूत और दृढ़ होती जा रही है। और इसके चलते आपको हर काम में सफलता मिलती जा रही है। तो छोटा सा उपाय है, 2 को आप लिख लें पीले रंग से सफ़ेद कलर के प्लेन पेपर पर, 3 दफ़े लिखें और इसको अपने पर्स में, अपनी बैग में, ऑफिस की जगह, अपनी अलमारी में, कहीं भी जगह रखें, लेकिन इसको सोमवार के दिन, पूनम के दिन और अमावस्या के दिन सुबह शाम इसको धूप बत्ती दिखा दिया करें। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।